मैं अपनी बात से पीछे कभी नहीं हटता। आप अपने वादे से पीछे नहीं हट सकते। वो अपने बात से पीछे नहीं हटेगा। तुम अपनी बात से पीछे क्यों हट रहे हो? गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज़ कर देने नॉट, इसके बाद गो बैक। गो बैक के बाद आपको यूज़ कर देने ऑन वंस वर्ड। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी बात से पीछे कभी नहीं हटता। आई नेवर गो बैक ऑन माई वर्ड। आई नेवर गो बैक ऑन माई वर्ड। वो अपने बात से पीछे नहीं हटेगा। ही विल नॉट गो बैक ऑन हिज वर्ड। ही विल नॉट गो बैक ऑन हिज वर्ड। आप अपने वादे से पीछे नहीं हट सकते। यू कैन नॉट गो बैक ऑन योर प्रोमिस। यू कैन नॉट गो बैक ऑन योर प्रोमिस। तुम अपनी बात से पीछे क्यों हट रहे हो? वाई आर यू गोइंग बैक ऑन योर वर्ड। वाई आर यू गोइंग बैक ऑन योर वर्ड। उन्हें अपने वादे से पीछे नहीं हटना चाहिए। दे शुड नॉट गो बैक ऑन देयर प्रोमिस। दे शुड नॉट गो बैक ऑन देयर प्रोमिस।